बैक। अभी मैं बना रहा हूँ सोया चंक्स का कबाब या टिक्की बोलो। सोया चंक्स का कबाब बनाने के लिए यार देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सोया चंक्स को भिगो के रखा था एंड उसको बॉईल करके पीस लिया हूँ। ठीक है, आपको जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना आप कर लो, उसको भिगो के रख लो। एटलीस्ट आधे घंटे से 40 मिनट तक मुलायम हो जाएगा। उसको थोड़ा सा बॉईल कर लो, सॉफ्ट हो जाए, उसका पानी ड्रेन करके उसको पीस लो अच्छे से। एंड देन इसमें क्या करना है, मैं यार यहाँ पे देखो धनिया और ये पुदीना है चॉप किया हुआ, वो मिला रहा हूँ। ठीक है, पुदीना नहीं है कोई बात नहीं, धनिया एटलीस्ट चॉप करके वो मिला लो। और यहाँ पे मैं लिया हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखो यार जिंजर गार्लिक मैं यहाँ पे चॉप करके रखा था, फाइन चॉप करके उसको यहाँ मिला रहा हूँ। और हरी मिर्च, हरी मिर्च आप जितना मन चाहे उतना डालो, तीखापन आपके ऊपर है यार। मैं दो तीन मिर्च यहाँ काट के रखा हूँ, मैं वो डाल रहा हूँ। और साथ में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैं किशमिश मिला रहा हूँ यार। ये देखो किशमिश होता है ना, अब किशमिश या ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड नट्स थोड़ा सा ज़्यादा मिला लो, लेकिन कबाब में फिर फटेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। सो इसका फटने का चांस ज़्यादा है अगर आप ना इसमें रोस्टेड नट्स ज़्यादा बड़ा डाल दिए तो उसको अवॉइड ही करो, ज़्यादा अच्छा है। बस किशमिश इस यहाँ पे डालो, किशमिश में आज छोटा किशमिश है तो मैं काटूंगा नहीं, मैं खड़ा डालूँ। अब किशमिश का साइज़ बड़ा बड़ा है तो उसको चॉप करके डाल सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे यार मैं 1 चम्मच डालूँगा बेसन, 1.5 चम्मच बाइंडिंग के लिए, और 1 छोटा चम्मच कॉर्न स्टार्च, ज़्यादा कॉर्न स्टार्च नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस बाइंडिंग के लिए चाहिए, और छोटा चम्मच मैदा, मैदा ऑप्शनल है, नहीं है तो बेसन और मिला लो। साथ में यहाँ पे मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट आपके पास हो तो, मैं पिंक सॉल्ट मिला थोड़ा सा, और जीरा, ये भुना जीरा पाउडर है, थोड़ा सा मिला रहा हूँ। कच्चा भी रहे तो मिला सकते हो, मेरे पास भुना रखा है तो मैं भुना जीरा पाउडर हल्का सा मिला रहा हूँ, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आपके ऊपर है जितना आपको तीखा चाहिए, थोड़ा सा मिलाना क्योंकि हरी मिर्च भी है, नमक और टेस्ट के हिसाब से, पिंक सॉल्ट डाले थे तो थोड़ा सा, और ये वाइट सॉल्ट, इसमें आप चाहो तो 1 चम्मच देसी घी मिला लो। तो यार मिक्सर मिल गया तब आपका, ठीक है देख लो। अभी क्या कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा मॉइस्ट रखा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा बेसन या ज़्यादा मैदा नहीं मिलाया हूँ। आपको यार अगर चाहिए थोड़ा सा हार्ड बनाना है, मतलब थोड़ा सा मतलब होता है ना कि आप हाथ में अच्छे से रोल करके आप बना सको या छान रहे हो पकौड़ी ऐसा गोल गोल बना बना के या कबाब या बॉल्स बनते हैं, थोड़ा वैसा चाहिए ना, तो थोड़ा सा और इसमें बेसन अपने हिसाब से आप इसको जितना ड्राई रखना चाहो आप कर सकते हो। मैं इसको एकदम मॉइस्ट रखा हूँ, इसमें ज़्यादा मैं नहीं मिला रहा बेसन वगैरह, मुझे इतना यही चाहिए, इतना ही चाहिए था। और थोड़ा मटन का कबाब बनता है ना गोल्टी कबाब एकदम सॉफ्ट, थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए था सॉफ्ट एकदम, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें बेसन वगैरह नहीं मिला रहा, थोड़ा सा मिलाया हूँ बस बाइंडिंग के लिए थोड़ा। अभी हो गया, अभी खाली इसको अब सेकना है। सेकने के लिए भी क्या करेंगे ना, या तो यार आप देसी घी में बना लो, या फिर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोई भी नॉर्मल न्यूट्रल ऑयल कोई भी यूज़ कर लो, या फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सरसों का तेल। सरसों के तेल में फ्लेवर होता है, या कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल रहे, पीनट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, जो भी बोलो उसको, कोल्ड प्रेस्ड मतलब रिफाइंड नहीं चाहिए, अनफिल्टर्ड वो रहे, या फिर मस्टर्ड ऑयल रहे। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि पीनट ऑयल बहुत स्ट्रांग होता है, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा एक हल्का सा ना कड़वापन देगा और बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मेरा अपना प्रेफरेंस है, आपकी मर्जी है, आप तेल देसी घी मिला के भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सरसों का ऑयल, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे करके हल्का सा इसमें
या तो आप हाथ से इसका बना लो, हाथ से उठा के आप बना के डाल सकते हो, हाथ में चिपकेगा थोड़ा हाथ, फिर आप गीला करके तब बनाना, तब चिपकेगा कम। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चम्मच से इसको उठा उठा के ना बनाऊँगा। देखो दिखाता हूँ, चम्मच से एक उठाया, चम्मच उठाया एंड देन ऐसे उठा उठा के अब डाल दो। जितना छोटा बड़ा करना है उतना आप कर लो, उतना देखो ठीक रखना है। तो ज़्यादा ज़्यादा चम्मच में भर के आप डालो पेस्ट, नहीं तो फिर इसको डाल के अपना चम्मच से शेप जैसा मन से वैसा दे सकते हो, मेरे को कोई शेप से फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें अब डाल के प्रेस करो, मैं हर साइज़ का बना रहा हूँ, मेरे को बड़ा भी बनाया हूँ, छोटा भी बनाया है और छोटा स्पून से भी बन रहा है, तो हर साइज़ का अब दिखा रहा हूँ। खाली जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप बना लो। यार देखो कबाब अपना अच्छे से फ्राई हुआ है, और इसको बस एक काम करना, पलटने के लिए चाकू है बड़ा मोटा चाकू उससे पलटो, उससे नहीं है तो फिर ये ज़रूर रखना यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सिलिकॉन पैड का आता है ना, या सिलिकॉन का बनता है ना ये स्पैचुला, वो यूज़ करना। यहाँ पे भी देख लो, ये देखो सिलिकॉन स्पैचुला आता है ना, इससे बहुत ईजली उठता है। देखो अभी ये हो ही रहा है, ऑलमोस्ट हो गया, ये देखो देखा कितना स्टेबल है सिलिकॉन, इस पर सिलिकॉन स्पैचुला पे एकदम ईजली उठ रहा है। उठा के उठा के इसको आप आराम से पलट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पलटो इसको और उठाओ, गिरेगा नहीं। ठीक है, हर शेप का बना के दिखा दिया, गोल आड़ा तिगड़ा जो उतना भी था सब शेप का बना लो, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं दे रहे हम लोग। मैं गैस बंद कर रहा हूँ, वर्क हो जाएगा, गैस बंद कर लो, ये डन है। इसको यार कोई भी शेप दे दो आप, क्योंकि ये बहुत मॉइस्ट होता है ना, तो बहुत सॉफ्ट होता है। आप इसको ऐसे उठा के ना, हाथ से उठा के फेंकते बनाते हैं, या पकौड़ी छानते हो ना डाल डाल के, वैसा आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन छानना नहीं, छानने देगा बहुत ज़्यादा तेल सोखेगा, छानना नहीं, इसको आप फ्राई करना है ऐसे, तवे पर रख के सेकना, मतलब ऐसे डीप फ्राई मत करना। अगर आपको थोड़ा हार्ड चाहिए आप वैसा बना, थोड़ा और बेसन वगैरह ऐड करके आप अपने हिसाब से देखो कितना आपको टाइट चाहिए, कितना सॉफ्ट चाहिए, बाकी प्रोसेस यही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ डू पुट अ कमेंट, कैसा लगा खाना बना के देखना कैसा लगा यार। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।